शिक्षा दी। भाषाओं में अंतर की स्थिति खंड भी उसको कहते हैं, भाषाओं में जो अंतर है, भाषा सभी जगह अलग हो गए, सबके संकल्प एक जैसे हैं कि सबके संकल्पों में अंतर है, तो जैसे संकल्पों में अंतर है वैसे भाषा में भी अंतर हो जाता है। पहले बात मन में आती है कि पहले भाषा में आती है? पहले मन में संकल्प आते हैं और मन सबके अलग अलग है, एक का संकल्प न मिले दूसरे से, एक के मन की स्थिति न मिले दूसरे से, तो भाषाएं भी अलग अलग हो जाती। होली हंस, होली माने पवित्र, हंस माने हंस, हंस मोती चुगते हैं या कंकड़ चुगते हैं तो पवित्र है ना, तब तो ज्ञान रतन चुगते हैं, दूध दूध पीते हैं, पानी पानी छोड़ देते हैं। सुलोभन कर दिया, सुलोभन वाले मुहावरा, कोई चीज कोई बात बार बार गाई जाती है सीमित शब्दों में तो उसको स्लोगन कहते हैं। बाबा शंकर को पांच मुख क्यों दिखाते? वास्तव में जो ब्रह्मा है सोई विष्णु है, विष्णु का विराट रूप दिखाया है, ये ब्रह्मा सो विष्णु बनना बच्चों का काम है या बाप का काम है? है बाप का काम है, ये बच्चों का काम है ब्रह्मा सो विष्णु बनना, परंतु एक ऐसा ब्रह्मा है, ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है लेकिन एक ब्रह्मा ऐसा है जिसमें बाप प्रवेश करके भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते। तो भारतवासियों ने विष्णु को मान लिया है भगवान, क्योंकि तो समझते हैं कि ब्रह्मा पांच हैं तो विष्णु भी पांच हैं, परंतु ब्रह्मा वास्तव में पांच नहीं है, कितने हैं? चार ही ब्रह्मा है। एक ब्रह्मा में तो शिव बाप प्रवेश करते हैं, इसलिए वो तो बाप समान स्वरूप बन जाता है, तो गलत फहमी हो गई है। उन्होंने जो अवतार मान लिए हैं वो विष्णु के अवतार मान लिए हैं, भगवान के अवतार या शिव के अवतार माने हैं? 24 अवतार माने हैं, राम और कृष्ण वगैरह, वो अवतार किसके मान लिए हैं? विष्णु के मान लिए। वास्तव में वो अवतार किसके हैं? एक ही अवतार है या 24 अवतार, 10 अवतार है? अवतार तो एक ही है, तो वो किसका अवतार है, शिव का है या विष्णु का है? शिव का है, इसलिए ये गलतफहमी हो गई। हम लोग गीता का भगवान समझे, उनका धर्मराज का पाठ जो अपने को गीता का भगवान समझा वो उन्होंने स्वयं समझा या समझाया गया किसी के प्रभाव से प्रभावित होकर के समझा या अपने आप समझा? एक होता है व्यक्ति जिसे बरगलाया जाता है,
एक व्यक्ति वो होता है जो किसी के बरगलाने में नहीं आता लेकिन दूसरों को बरगला देता है। तो कष्ट वाली आत्मा भी ऐसी ही भोली है। कष्ट माने चंद्रमा, चंद्र ग्रहण पड़ता है ना, तो चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो चंद्रमा के ऊपर किसका परछाया पड़ता है? एक तरफ चंद्रमा, बीच में पृथ्वी, एक तरफ सूर्य। सूर्य क्या परछाया पृथ्वी पर पड़ा। सूर्य की रोशनी किस पर पड़ी? पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर। तो किससे प्रभावित हुआ? कन्या माता रूपी धरणी से प्रभावित हो जाता है। वो अपने को भगवान समझ लेता है, वो बरगलाया जाता है। तो बरगलाया जाने वाला ज्यादा शैतान है या जो बरगलाते हैं वो ज्यादा शैतान है? बरगलाने वाले ज्यादा शैतान हो गए। तिरुमूर्ति का जो धंधा है भगवान विष्णु शंकर है, तिरुमूर्ति का जो धंधा है ना भगवान विष्णु शंकर जो है उसमें तो ब्रह्मा के नीचे जो लिखा है सत्य वेद जैसे उसके बाद कट का चिन्ह लगा हुआ है, तो ब्रह्मा है सत्य में विजय थे कि ब्रह्मा मरबिल्ला के अलग हो गए, स्वर्ग स्थापन हुआ ही नहीं। सत्य दुनिया सत्ययुग स्थापन हुआ ब्रह्मा के द्वारा या नहीं हुआ? नहीं। तो सत्य में जयते हुआ या मरते हुआ है? इसलिए कांटे का निशान लगा दिया है। ब्रह्मा को सत्य में जयते नीचे लिख दिया और कांटे का निशान लगा दिया। इनके द्वारा सत्य में जयते नहीं होता। किसके द्वारा होता है? शंकर के द्वारा। ऊपर ऊपर जो शंकर का चित्र दिया हुआ है वो भी पुरुषार्थी रूप है, याद वाला प्रजापिता ब्रह्मा का रूप है, उसके लिए कहा गया है सत्यमेव जयते। बाबा शंकर पार्वती के शादी में गणेश का पूजा दिखाया क्या हुआ? शंकर पार्वती जी का शादी होता है उसमें गणेश जी का पूजा दिखाया। हाँ? क्या मतलब क्या? अरे आत्माएं कभी मरती हैं क्या? उनके पार्ट अमर हैं या मरे हुए हैं? अमर पार्ट है। और बाबा चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण का मतलब क्या? अभी तो बता दिया। ग्रहण जो लगता है भक्ति मार्ग में जो बताया प्रभाव में आ जाते हैं उसी को ग्रहण कहा जाता है। हम भी माया के परछावे में आ जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं, माने हमारे ऊपर माया का ग्रहण लग जाता है। फूल बेगार फूल प्रिंस क्यों कहा? फूल बेगार टू फूल किंग क्यों नहीं कहा? इसलिए कहा पुरुषार्थ करेगी, पुरुषार्थ करने के बाद जब संपन्न बनती है तो एकदम उसको वर्षा नहीं मिलता। प्रिंस को एकदम वर्षा मिलता है या धीरे धीरे मिलता है? धीरे धीरे मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ संगम युग का जो गायन है विश्व महाराजन बनने का, विश्व महाराजन बनने का वर्षा एकदम नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। धीरे धीरे संसार में प्रत्यक्षता होती है और धीरे धीरे उस प्रिंस से विश्व का मालिक बनने वाले को वर्षा की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जब ब्रह्मा को प्रवेश करता है तो माँ का पार्ट हो जाता है और जब प्रजापिता को प्रवेश करता है तो बाप का पार्ट हो जाता है। कौन? बिंदी शिव जी निराकार बिंदी। हाँ।
और 5000 साल वह परम धाम में बैठता है। परम धाम में बैठने के क्रम में वह माँ के रूप में बैठता है या बाप के रूप में? वहाँ ना अम्मा होती है ना बाप होता है। अम्मा बाप शरीर के आधार पर कहे जाते हैं कि निराकारी स्टेज के आधार पर कहे जाते हैं। तो वहाँ ना बाप है ना अम्मा है, वो तो बिंदी है। बाबा हाँ, 14-10-84 की मुरली में आया है, 8-2 के कटिंग मुरली में है ये। ऐसे ही एसी यूनिवर्सिटी कब देखी है? ऐसी यूनिवर्सिटी कब देखी जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हैं, एक ही स्कूल एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, जिसमें वहाँ की पढ़ाई की बात है ही नहीं। यहाँ की पढ़ाई है जो वो भविष्य की पढ़ाई की बात बताई। जी बाबा पढ़ाते हैं या ब्रह्मा भी सुनते हैं? ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। यह ब्रह्मा जो है जिसके लिए यह बोलते हैं यह ब्रह्मा, वो भी सुनते हैं प्रवेश करके। तुमने क्या समझा? घटाक में अभी चल रहा है। हाँ, वो भी अभी प्रवेश करके सुनते हैं। क्या हुआ? नारायण हमको फूल जैसा बनाते हैं, इसलिए फूल बनाया जाता है। लक्ष्मी को हाथ क्यों बनाया जाता है? लक्ष्मी को हाथ क्यों बनाया जाता है? लक्ष्मी हार बनाती है। लक्ष्मी आती है तब ही माला बनती है, नहीं तो माला बनती ही नहीं। इसलिए लक्ष्मी को हार दिखाते हैं और नारायण को फूल चढ़ाते हैं। छोटा बड़ा पूछ रहे बाबा। हाँ, नारायण का हार बड़ा है और लक्ष्मी का छोटा है। हाँ, लक्ष्मी का लक्ष्मी का जो हार है वो छोटा थोड़ा दिखाई दिया और नारायण का बड़ा दिखाई दिया। रुद्रमाला बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। और विजयमाला छोटी है। और शंकर के साथ पार्वती नहीं है तो बिच्छू कंडक्टर पैदा होगा है? शंकर के साथ पार्वती नहीं है तो बिच्छू कंडक्टर पैदा होगा। अरे, आदमी के साथ जब उसकी औरत होगी तो अच्छे बच्चे पैदा होंगे। अब औरत है ही नहीं, अब बच्चे पैदा हो गए तो कैसे बच्चे होंगे? औरत संतान कहेगी कही जाएगी या बे औरत कही जाएगी? 98 से तो मम्मा खुश हो गई। तो क्या हुआ? तो उसके बाद जो बच्चे पैदा हो गए हैं वो क्या? अरे, रुद्रमाला कब पैदा होती है? सचयुग त्रेता में या द्वापर कलयुग में? अरे, तब की के बच्चे है? अरे, ये बच्ची कब की है? कब? 3 महीना। 3 महीने हुए। अच्छा, पूछा है। रामायण और महाभारत दोनों अलग अलग है घटनाएं हैं, ये कब हुई? ये संगम युग की ही बातें हैं सारी। चाहे रामायण हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो, शास्त्रों में जितनी भी घटनाएं हैं वो हिस्ट्री की नहीं है। 2500 वर्ष के अंदर उसी संगम युग की घटनाएं हैं, दूसरा कोई युग नहीं है। संगम युग का मतलब क्या था बाबा? वेद शास्त्र वगैरह। अगम? हाँ जी, जो जिनको पार जा सके। अगम निगम, जिसको पार न किया जा सके। बाबा, कल ब्रिज में जैन धर्म को नहीं दिखाया गया है? कल ब्रिज में जैन धर्म को दिखाया गया। जैन माने जिनसे बनता है जैन, जिन कहा जाता है तीर्थंकर को, उनके जो 24 भगवान हुए हैं उनका नाम है तीर्थंकर। जिन महाराज, जिन भगवान, जिन्होंने इंद्रियों को जीता, जिन माने जीतने वाले, और उनके फॉलोअर का नाम है जैन। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर, ब्रह्मा के बच्चे के अर्थ में ब्राह्मण,
विष्णु के अर्थ में वैष्णव, शिव के अर्थ में शैव, ऐसे ही जिन के अर्थ में जैन, माने जिनको फॉलो करने वाले। तो इंद्रियों को जीतने वाले को जिन्होंने फॉलो किया वो हम ही लोग तो है, कोई दूसरा थोड़ा ही है। चर्चा नहीं हुई, अलग से चर्चा करने की क्या दरकार है, जब है ही हम ही। तो जो शास्त्रों में जो बातें हैं वो जैन ग्रंथों में बातें हैं। कल्प वृक्ष में दिखाई, कल्प वृक्ष में इसीलिए नहीं दिखाई है कि जैन धर्म हमारा ही धर्म है, कोई दूसरा धर्म नहीं है। बाबा बाबा हाँ, भक्ति मार्ग में जो सिखाया चित्र मार्ग जो दिन दिन काम किया है बाबा, भक्ति मार्ग में शंकर पार्वती का चित्र दिखाया, पारो जो दिन दिन दिखाया हाँ, भक्ति मार्ग के चित्र हाँ दिखाया, उसके मैंने बाबा बता दीजिए, उसके मैंने बता दे, माने शिव बाबा ने जो परिवार व्यवस्था चलाई उसमें भी बारह ही है मुखिया, जैसे और धर्म वालों ने जो परिवार व्यवस्था चलाई है उनमें भी बारह बारह है, ऐसे यहाँ भी सारी दुनिया की आत्माएं बारह राशियों में बांटी हुई है। बारह राशियों से कोई मनुष्य बाहर है, है? नहीं। तो ये बारह ज्योतिर्लिंगम है जिनमें प्रजापिता ब्रह्मा कहो शंकर कहो वो प्रवेश करके शिव जैसा पार्ट बजाता है। बाबा बाबा चार ब्रह्मा समान चार, अब रुको जाओ, वो ऊपर बोल रहा है उसकी भी सुन लेने दो। बाबा हर मंत्र में ओम क्यों लगता है, है? हर मंत्र में ओम क्यों लगता है? क्योंकि मंत्र जी किसके द्वारा दिए जाते हैं, मंत्र माने मंत्रणा इसके द्वारा दी जाती है, मंत्रणा दी जाती है जिसको मन हो वो मंत्रणा देता है, तो जो मन है वो ही तो मन बुद्धि आत्मा का काम है। आत्मा तीन कार्य करने वाली है, स्थापना पालना और विनाश। तो जो भी मंत्र दिया जाएगा उसमें ये तीन बातें पहले जरूर है, देने वाले में तीन बातें भरी हुई है पाठ में, इसलिए जो भी मंत्र देगा उस मंत्र से पहले ओम जरूर लगा देते हैं। और बाबा चार ब्रह्मा समान चार विष्णु समान और चार शंकर के समान, तो शंकर के समान तो बनने के लिए नहीं बोला गया, तो सबसे ऊंचा ब्रह्मा के समान बनना हुआ। ये किसने कहा चार शंकर के समान, तो ये जो बारह है तो ये बारह में से जो तीनों है तीन तरह के हैं, ब्रह्मा समान विष्णु समान और शंकर समान, नहीं तो तीनों विनाशकारी है, ब्रह्मा विष्णु समान तो है ही नहीं, वो विनाशकारी है, नष्ट देव है या अष्टदेव है। तो अष्टदेव ब्रह्मा समान और विष्णु समान को कहेंगे ना बाबा, अष्टदेव ब्रह्मा और विष्णु समान स्थापनाकारी और पालनाकारी है, वो विनाशकारी नहीं है अष्टदेव, इसलिए आज से लेकर अंत तक हीरो पाठधारी के सहयोगी है। बाबा ब्रह्मा समान ऊंचा होगा कि विष्णु समान ऊंचा कहता है, ब्रह्मा सो विष्णु वो तो एक ही हो गए, ऊंचा नीचा कहाँ रह गया, ऊंचा आठ में तो नंबर है ना बाबा, जो नंबर है तो नंबर तो शक्ति के आधार पर है। बाबा शंकर क्या करते हैं, पिता खंड में आया वन में शंकर क्या करते हैं, उनका बात वंडरफुल है, इसका मतलब यही है कि उनका जो पार्ट है उसके ऊपर तुम भी विश्वास नहीं कर पाते कि वो पार्ट उनका राइट है या रॉन्ग है, इसलिए वंडरफुल पार्ट है। सीधी टेढ़ी मेरी क्यों है,
क्योंकि चार युग में चार अवस्थाएं हैं, एक ही अवस्था है या चार अवस्थाएं हैं? चार अवस्थाएं, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी। अरे एक ही जैसी अवस्था हो तो आदमी सीधा सीधा चले, अब है ही अवस्थाएं चार तरह की तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जम्मू में मुर्गी चली बाबा है, जम्मू में मुर्गी चली है 2463 की, फिर चला है 6711 को जम्मू में चली है। हाँ। तो बोला है अभी देखो रिसर्च कर रहे हैं खुद पर जा रहे, परंतु वहाँ कोई जाए थोड़े सकते हैं। हाँ। तो मीनिंग क्या है, मून पर कोई जा सकते हैं क्या? वहाँ तो ठंडी बहुत है, बर्फ ही बर्फ। तुम तो गया। तो कहाँ गए? वो तो बात बताया, गए ही नहीं, दूर से चित्र खींच के भागे आए। तुमको बता दिया गए तो तुमने विश्वास कर लिया। हाँ। काशी विश्वनाथ दूर है, उत्तर काशी काशी में काशी एक दक्षिण में भी काशी बनाई हुई है उन्होंने जी, वो एक उत्तर में। हाँ। और एक इधर में है बनारस में, इसका महत्व क्या हुआ? इसका महत्व ये हुआ, काशी का अर्थ क्या है? काशी है? अरे काशी का अर्थ क्या है? काशी का अर्थ यह है काश्य, काश्य अर्थात तेज। तो तेज धारण करने वाली दो आत्माएं हैं या एक ही है? एक है। और शंकर नहीं है, वो टेम्परेरी टाइम के लिए संगम युग में तेज धारण करती है, और सेवक, सेवक सदाकाल के लिए तेज धारण करने वाला है। दोनों मिलकर के प्रैक्टिकल कार्य करते हैं तब प्रैक्टिकल काशी की स्थापना होती है। और दो मूर्ति तो प्रत्यक्ष हो गई, तीसरी मूर्ति का प्रत्यक्ष है? तीसरी मूर्ति है, दो प्रत्यक्ष हो गई, तीसरी का प्रत्यक्ष। कौन कौन सी तीन मूर्तियां, उनके क्रम बताओ। ब्रह्मा विष्णु और शंकर है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये क्रम है। अरे तीन मूर्तियों की प्रत्यक्षता का क्रम बाबा ने बताया कि नहीं मुरली में? ब्रह्मा, शंकर और बाद में विष्णु। ऐसे मत समझाओ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, कैसे समझाओ? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, संक्षेत्र में शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, तो बाद में कौन? विष्णु द्वारा पालना। अभी वो पालना प्रत्यक्ष होने वाली है या प्रत्यक्ष हो गया? यह प्रत्यक्ष हो रहा है, हो रहा है। और सत्युग का पहला राजकुमार कौन है? सत्युग का पहला राजकुमार ही तुम्हें पता नहीं? ब्रह्मा बाबा कहाँ के राजकुमार बनेंगे? है सत्युग के बनेंगे तो पूछते का ही लिए। और बाबा पवित्रता का प्रतिज्ञा करते हैं तो भूखे क्यों मरते हैं? पवित्रता का प्रतिज्ञा करते हैं तो भूखे क्यों मरते हैं? पवित्रता का प्रतिज्ञा करते हैं भूखे क्यों मरते हैं? भूखे क्यों मरते हैं? पालन नहीं करते तो भूख मरते हैं। भगवान के सामने जो बड़े से बड़ा जज है उसके सामने पवित्रता की प्रतिज्ञा की और फिर उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया तो भूखे नहीं मरेंगे। कोई कम तोड़ते हैं, कोई ज्यादा तोड़ते हैं, तो कम तोड़ने वाले कम भूख मरेंगे और जास्ती तोड़ने वाले जास्ती भूख मरेंगे। बाबा सीता कुंड में गर्म पानी की धारा क्यों बहती है भक्ति मार्ग में? सीता महाकाली का रूप धारण करती है कि नहीं है? करती है या नहीं? महाकाली का रूप धारण करती है। जब महाकाली का रूप धारण करेगी तो उसके अंदर जो संकल्पों का पानी है वो गर्म बहेगा या ठंडा बहेगा? तो गर्म गर्म पानी चलता है। और बाबा भक्ति मार्ग में काली को
है? है? उनके नीचे जीव को क्यों दिखाया गया? क्या क्या भक्ति पाठ में गांधी माता को शंकर के नीचे उनका पैर दिखाया गया है? क्यों दिखाया गया? शंकर के ऊपर पैर दे देते हैं, वो क्यों दिखाया गया? वो जब दौड़ती हुई आती है मारे तेज के, मारे आवेग के, तो आवेग में उसे यही ध्यान नहीं रहता मैं किसके ऊपर पांव रख रही हूँ। जैसे कोई आदमी आवेग में आके काम करता है ना तो उल्टा काम हो जाता है कभी कभी, ऐसे ही आवेग में उल्टा काम हो गया। जब बाद में गलती का पता चला, नीचे देखा तो जीभ निकल आई, हाय हमसे ये क्या भूल हो गई। इसलिए है कि वो बहुत भोला भाला है, इसलिए सर के ऊपर विराजमान है। उसने जितना अपना तन मन धन स्वाहा किया है भोलेपन में आकर के, इतना तन मन धन कोई स्वाहा नहीं करता सिवाय बाप के पार्ट के, इसलिए सर के ऊपर विराजमान है। बाबा की आज के समय आते हैं, आज को नहीं आपकी क्लास चलाई है, आपकी क्लास में मुझे चलाई थी, कहाँ चलाई सर? कभी आपकी क्लास बोलते हैं मुरली में? हाँ मुरली में बोलते हैं, तो यही पता नहीं कि मुरली किसको कहा जाता है और अद्वैतवाणी किसको कहा जाता है। पहले जो क्लास चलता था ना उसमें रात्रि क्लास बोला जाता ना, डेट आता ना ये रात्रि क्लास की बात, इसमें वो रात भर नहीं चलता था, वो साइन क्लास था, रात्रि सब लिख दिया, लिख दिया लिखने वालों ने लिख दिया, उनकी गलती। हाँ यज्ञ की आदि वाली माता है, यज्ञ की आदि में आदि में आदि, हाँ वो यज्ञ की आदि में स्त्री चुलाती, फिर बीच में जो है, फिर बीच में भी उसने स्त्री चूला धारण किया है। ये तुम्हें कैसे मालूम बीच में स्त्री चूला धारण किया, पुरुष चूला धारण किया? बाबा ने भी कहा कि, बाबा ने कहा, बाबा ने तो कहा दो जन्म मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा स्त्री के अथवा ज्यादा से ज्यादा पुरुष के, तो तीन जन्म कैसे हो जाएंगे? बाबा ने बोला मुरली में जो है पीटी के नाम पर है, प्यूरिटी के नाम पर, प्यूरिटी पवित्रता के चलते उनको मतलब उसकी हत्या की गई। अरे हत्या करने वाला जो था वो जगदम्बा वाली खुद आत्मा थी, थी न थी इसका क्या प्रूफ? बिना प्रूफ प्रमाण की कैसे कह सकते? बाबा राम वाली आत्मा को तो कुमार के लिए इसमें रखा जाना चाहिए, कुछ भाई सबसे भी कहेंगे है राम वाली आत्मा को कुमार के लिए इसमें होंगे, शिव का बंदी नहीं है कोई कुमार है कलयुग में जो छाती ठोक करके कहे कि हम जब से जन्म लिया है तब से लेकर अब तक कुमार ही कुमार है, फिर अभी तो फिर कुमार कभी 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 हम स्खलित नहीं हुए, कुमार कभी हमने किसी के साथ संग नहीं किया, कुमार इस अर्थ में कहा जाता है जिसकी शादी न हुई हो, शादी हो जाती है तो उसको बंदूक का लाइसेंस मिल जाता है गिरने के लिए, और जिनकी शादी नहीं होती है उनके लिए कोई उंगली नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि कुमार जीवन में अपवित्र तो सब होते रहते हैं, तीन महीने में एक बार डिस्चार्ज होना जरूरी है भले स्वप्न में हो जाए, हिम्मत की बात है कि शादी नहीं करेंगे किसी भी हालत में, बाबा ने निकाल किया है तो नहीं करना है तो नहीं करना है। हाँ आप बोलो क्या कह रहे हैं? तो कहा गया विकार में जाना उसी को शादी कहा जाता है, विकार में जाना उसी को शादी कहा जाता है, ढोल मंजीरे को शादी थोड़े कहा जाता है। राम की आत्मा तुम्हारे हिसाब से तो अभी भी विकार में जाती होगी? नहीं। क्यों क्यों नहीं जाती होगी?
संपन्न स्टेज अपने संपन्न स्टेज ज्ञान में आने से ही संपन्न स्टेज बन जाती है कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा अब बोला कि जो अरे पैंतरा क्यों बन रहे, एक बात तो पूरी कर लो नहीं तो फिर जाके घर में उल जाओगे। हाँ बोलो। ब्रह्मा की सोल जो है उसमें वो भोक्ता का पार्ट हो जाता है, राम की आत्मा में कृष्ण की आत्मा वो भोक्ता का पार्ट हो जाता है। ऐसा किसी भाई ने कहा, हमने कहा कि नहीं, राम की आत्मा जो है उसका उसका भी पार्ट नहीं, ये शिव का पार्ट है। वो क्या सही है, शिव का क्या पार्ट है? मिस्त्री ने कहा है, मिस्त्री ने कहा विष्णु का पाठ है राम का या शिव का? हमने कहा शिव का पाठ है। कृष्ण का पाठ राम का है, विष्णु ने कहा। शंकर वाली जो आत्मा है उसको भक्ति मार्ग वालों ने कह दिया है। शंकर क्या कहता है, विष पीता है, तो जो शंकर का पाठ है वो नाम शंकर क्यों पड़ा? एक आत्मा है या तीन आत्माएं हैं? तीन आत्माओं में विष पीने वाला स्वभाव संस्कार का कौन है और निर्विष कौन है? गायन किसका है मर्यादा पुरुषोत्तम का? राम वाली आत्मा का गायन है मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण वाली आत्मा? कृष्ण तो महात्मा है बाबा। कृष्ण बच्चेपन में महात्मा है कि बड़ा है? तब भी महात्मा है। पुरुषार्थ करता है, बुढ़ा हो गया पुरुषार्थ करते करते, तब भी महात्मा है। जगह के ऊपर ही लगाया गया है, जगह लगाया गया। कौन सा कृष्ण है वो जिसके ऊपर मोर पंख लगाया गया? वो कृष्ण कौन सा है जिसने स्वर्ग स्थापन किया प्रैक्टिकल में? वो तो गया तो संगम भी जो कृष्ण है वो साकार शरीरधारी है कि बिना शरीर वाला है? खत्म बात। इनके पूछने की कोई दूसरी बात है, उनकी बुद्धि कहीं और दौड़ रही है। अच्छा बाबा यहाँ पर है? अरे उसकी बात नहीं पूरी हुई, तुम बेचारे गड्ढे में ही पड़ा रहे। कृष्ण की आत्मा जो है वो प्रवेश करके वो विकारों का उपभोग। भाई की बात छोड़ो, तुम अपनी बात हल करो, भाई की बात भाई हल कर लेगा। जहर तो एक शिव की है, जहर जो है उसको पचाने की क्षमता जो शिव में होती है। शिव प्रवेश किसमें करता है? मुकर्र रथ में। और कौन प्रवेश करता है? तो कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा सातिर है विकारों के भोगने में, कि राम वाली आत्मा ज्यादा सातिर है विकार भोगने में? भोगा तो ज्यादा कृष्ण वाली आत्मा ने फिर तो ज्यादा सातिर है। पहले शिव आकर के उसको कंट्रोल करेगा कि पहले जो सातिर नहीं है उसको कंट्रोल करेगा? उसी को कंट्रोल करता है। कंठलक्ष का झाड़ उल्टा कहाँ, सीधा तो है। अरे तुमने देखा नहीं, नीचे आके देख लो। राम वाली आत्मा तो गए थे कि राम जी रावण होता है। हाँ हाँ, जब सब अपने करिश्मे दिखा दिखा के हार जाते हैं, कोई भी सृष्टि का विनाश नहीं कर पाता, तब अंत में राम वाली आत्मा अपना नंबर ले लेती है कि चलो हम विनाश करेंगे। तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो, सारी सृष्टि के बाप थोड़े ही हो। जो काम तुम नहीं आज तक कर पाए 500-700 करोड़ मिलकर के भी, वो मैं अकेले पूरे कर देता हूँ। जो पावरफुल होगा वो काम करेगा पावरफुल, या जो कमजोर होगा वो पावरफुल काम करेगा। राम वाली आत्मा ही करती कि मैं विकारों का आती कर देता हूँ, आती कर देता हूँ अंत में। तो अभी की बात, अंत में अभी की नहीं, अभी अभी क्या सब आत्माएं आ गई ऊपर से? बस वो अंत का बात, अंत की बात है। जब 5-7 रोज के अंदर सारी दुनिया खलास होनी है, शंकर का पार्ट भी अंत में होंगे, वो कोई बात नहीं होती। शंकर का पार्ट संक्षेप्तर से है या अंत से है?
है शंकर का इसी बार पार्ट एक ही बार एक ही बार पार्ट है शंकर को प्रदर्शिता नहीं कहते एक ही बार पार्ट है शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे जब प्रजापिता है तो शंकर नहीं शंकर माने तीनों आत्माएं मिक्स होके पार्ट बजाएं प्रजापिता सिंगल पार्ट बजाएगा प्रजापिता सिंगल है और सदैव नहीं है जब उसमें प्रवेश हो गई दोनों आत्माएं तो शंकर हो गया शंकरण हो गया प्रवेश नहीं है तो सिंगल है प्रजापिता है अभी और तभी क्या अभी तभी का क्या मतलब है क्लियर करो ना डराके से बोलो प्रजापिता तब कहेंगे जब उसमें न शिव की प्रवेशता है और न ब्रह्मा की प्रवेशता है चाहे जब आदि में भी आदि स्वंक तो प्रजापति बन जाएगा ना पति तो लास्ट की बात है और हर आत्मा के लिए पति नहीं है 500 करोड़ के लिए टाइम टू टाइम पति है कि हर समय पति है हाँ जी और खत्म हो गया संगम की लागू होता है संगम की राम वाली आत्मा को कहेंगे या कृष्ण वाली आत्मा कोई भी पार्ट जो है जो भक्ति मार्ग में गाया जाता है वो संपूर्ण स्टेज की यादगार है अंत की यादगार है या आज और मध्य की यादगार है तो संपूर्णता कब होगी अंत में होगी या अभी हो रही है शंकर द्वारा शंकराचार्य का बाल क्यों उड़ा होगा कहा द्रौपदी में सबके बाल मोड़े जाते हैं या कोई रह जाता है सबके बाल तो शंकराचार्यों के रहने ही बाल मूड गया जाएगी भूतमुंडा सन्यासी देखे नहीं है क्या सब जटाधारी होते हैं सन्यासी भी भूतमुंडा होते हैं मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी नार मुड़ी घर संपत्ति नासी होती है वो मेजरमेंट है मेजरमेंट माने वजन करने का एक तराजू है जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं अलग अलग होती हैं या चंद्रमा की रोशनी का नाम कलाएं है ऐसे ही 16 कलाएं हैं एक सेकेंड आँख हाँ और क्या अभी आँख खुली है या मिचमिचाई रही है और जब पूरी खुल जाएगी तो खेल खलास हो जाएगा आप मुए मर गई दुनिया संक्षेत्र में खुली नहीं खुली शंकर के लिए ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे संक्षेत्र में कि आप मुए मर गई दुनिया ब्रह्मा कुमार कुमारी होगी कहेंगे वहां एक छोटा रूप है और अंत में बड़ा रूप हो जाए पूरी आंख खुलेगी जब सारी दुनिया खलास हो जाए अभी नंबर लगा दे कि नहीं बाबा कुमार यदि घर में रहते हैं तो क्या उसे गृहस्थी नहीं देंगे
कौन कुमार घर में रहते हैं? घर में रहेंगे, जैसे बहुत से कहते हैं कि नहीं कुमार तो सन्यासी है। कुमार सन्यासी का ही लिए ब्राह्मण परिवार में है, ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, ब्राह्मण परिवार में सेवा करते हैं, ब्राह्मण परिवार में खाना खाते हैं, वो सन्यासी का ही लिए बाप की मत पर चलते हैं, सन्यासी किस लिए? अन्य दोस्त की जहाँ तक बात आती है इस पर विश्वास नहीं हो, वहाँ नहीं दिखा सकते। ठीक है, जिसको कोई बोलते हैं कि नहीं खाना ही चाहिए, अरे वो दूसरों को बोल लेते, उससे क्या होता है? हम किसी के अंदर घुसे हुए कौन कैसा प्रसाद करता है? गलत पर ये पर करना चाहिए बराबर बिल्कुल। भट्टी ना किया हो ज्ञान में ना चलता हो, जो भट्टी ना किया हो वहाँ पर निश्चय नहीं है। हाँ, उसके यहाँ पे तुम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसा टाइपोर जूता है कि नहीं खा लेना चाहिए। है बाबा की याद में रहते थे खाने में। हाँ तो अपने को मिलिट्री का रूहानी मिलिट्री का वारियर समझते हो तो खा लो, इतनी ताकत समझते हो कि हम रूहानी मिलिट्री के वारियर हैं, हम मिलिट्री डिपार्टमेंट के हैं, सूर्यवंशी हैं असल, तो खा लो। खाने से तो असर पड़ता था, तो तुम नहीं हो तभी तो असर पड़ता है। जो है उनके लिए बोला है मुरली में, जो मिलिट्री के लोग हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट है ना, सबसे ज्यादा अनुशासित डिपार्टमेंट कौन सा होता है? सूर्यवंशी। तो जो सूर्यवंशी के वारियर अपने को समझते हैं उनके लिए बोल दिया कि तुम अगर मिलिट्री के मैन हो, मिलिट्री वारियर हो, तो वहां तो कैंटीन में खाना मिलता है, बाबा की याद में खाओ। जहाँ तक कायदा हो सके तो निभाना, कायदा ही तो बताया मिलिट्री के हो तो, कायदा नहीं है ये, चले जाना चले फिर वही बात। अरे रूहानी मिलिट्री में सूर्यवंशी नहीं है कोई, है शंकर जी तो मछलियां भी चबाए जाएंगी जिंदा, तो तुम खाओगे? खाओगे? अरे चुप बचा। बाबा आदि सनातन देवी देवता का सहयोगी सिख धर्म भी, आदि सनातन देवी देवता धर्म का सहयोगी धर्म है, सिख धर्म असिस्टेंट है, उसको लास्ट में होते हुए भी फास्ट जाने वाला है, क्योंकि जगदम्बा को जन्म देने वाला है, जगदम्बा का माता लास्ट में करिश्मा दिखाता है या फर्स्ट और मध्य में दिखाता है? लास्ट में दिखाता है। बाबा शंकर जी के कंधे पर पार्वती दिखाते हैं, इसका शंकर जी को कंधे पर पार्वती को दिखाते हैं, इसका मतलब क्या होगा? पार्वती के, पार्वती को शंकर जी के कंधे पर मरा हुआ दिखाते हैं। हाँ, पुरुषार्थी जीवन दिखाया है, पुरुषार्थी जीवन है या संपन्न जीवन की निशानी है? हैं? पुरुषार्थी जीवन की निशानी है। हाँ, कोई कहीं जाता है किसी के घर में और डायरेक्ट बोलता है कि आप धारणा पे नहीं चलते हैं, कि आपका मनाया और नहीं खाएंगे, ऐसे ऐसे सीधे सीधे बोलना ब्राह्मणों का काम है बाबा, क्या वो आत्मा उसको ब्राह्मण की कोटा में जानता है क्यों? नहीं नहीं, सीधा सीधा बोलना ये ब्राह्मणों का धर्म है। फिर युक्ति से बोलो, ब्राह्मण का काम है दूसरों को सुख देना या ऐसी सीधी बात कहना कि दूसरे को दुख हो जाए? बच्चा भी दूध तो नहीं खाएगा है, बच्चा भी पूछेगा तो नहीं खाएगा। हाँ जी, क्योंकि महात्मा है बच्चा, और बनाने पर दोष नहीं आता है, कोई भी बनाए, कोई भी बनाए, कहीं भी तो मार्केट में किधर भी खा सकते हैं, वो है सर। क्या कह रहे? दम है तो खाओ, शंकर जी शंकर जी ऐसी दम है तुम्हारे अंदर तो कलिया बछरिया खूब खाएगा।
ग्यारह को वार्तालाप कर रहा था टीपी जी में आंध्र प्रदेश में, तो उसने घड़ी के बारे में आप पूछ रहा था, वो बढ़िया से कन्विंस नहीं कर सका है, तो बढ़िया से आपसे पूछ नहीं सका, बता बोल नहीं सका। एपी जी में कर रहा था टीपी जी में आंध्र प्रदेश नौ सौ ग्यारह में वार्तालाप में। अरे कौन कहाँ बोला ये सब छोड़ दो, असली बात बताओ। तो घड़ी के बारे में जो दर्शन के बारह मिनट के बारे में पूछ जाता हो, तो दर्शन में जो विनाश हुआ था युद्धमान नागर घाटी का, उसी के आधार दिखाया गया कि खबरदार करने के लिए दिखाया गया घड़ी की उस समय ज्ञान कराता है। बम्बिंग जो किया गया था नागर घाटी पर, तो दस वर्ष के बारह दस मिनट नहीं किया गया था, उसी की याद एडवर्टाइजमेंट घड़ी दिखाता है, उसी के बारे में पूछ रहा था मैं। जब कोई मरते हैं तो उसे शमशान में ले जाते समय राम नाम सत्य बोलते हैं, तो कौन सा राम का नाम सत्य है, अंत समय में कौन सा राम सत्य है, मध्य में सत्य नहीं है, जन्म लेते भी सत्य नहीं है, लेकिन मरते समय राम नाम सत्य है, वो कौन सा राम है, निराकार राम सत्य है या साकार राम सत्य है, है? हाँ, वही राम जो साकारी था, अधूरी स्टेज वाला था, फिर पुरुषार्थ करके संपन्न बन गया, उसी राम वाली हीरो पाठधारी का ये यादगार है कि वो अंत में प्रत्यक्ष होता है। पतित पावन तो ऊपर वाला ही है, लेकिन राम नाम सत्य है, मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं, जब प्रवेश करते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं, इसका मतलब अंत समय में जो गायन चलता है राम नाम सत्य है, ये सारी शक्ति की जब मृत्यु होने का टाइम आता है, सांप को मरना होता है, सांप की बुद्धि में बैठ जाता है, अब ये दुनिया जाने वाली है, अब हमारे मरने का टाइम आ गया, उस समय सारी दुनिया की बुद्धि में बैठेगा कि कौन सा राम सत्य है, ऊपर वाले का तो नाम ही नहीं है राम, उसका नाम क्या है, उसका नाम तो शिव है, घट घट रमते राम रमैया रमते योगिनो यस्मिनिति राम, जिसमें रोगी योगी रोग रमण करते हैं, जिसकी याद में, उसका नाम राम है। सारी दुनिया जब विनाश होगा तो बिंदी को याद करेगी या साकार में निराकारी स्टेज वाले को याद करेगी, तो साकार में निराकारी स्टेज वो बिंदी की बात है या शरीरधारी की बात है, वो है सर्वव्यापी। हाँ देखते हैं कि कंधा पर हम लात लिए हैं और ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं कहते हैं राम नाम सत्य है, फिर नीचे करते हैं फिर ऊपर चढ़ जाते हैं, क्या होता है अमृत बिलास, देखे हैं कि मतलब कंधा और कह रहे राम नाम सत्य है ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं फिर नीचे करते हैं फिर राम नाम सत्य करके बहुत ऊंचा पर हम चढ़ नीचे उतरते हैं फिर राम नाम सत्य है फिर देखते हैं बहुत ऊंचा पर चढ़ जाते हैं। आप तो पता नहीं जाने क्या क्या देखते रहते हैं, कपड़ा फाड़ने वाला व्यापारी सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है तो आपने दो तीन रात में फाड़ लेता है, तो ऐसे ही आप पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, उल्टम पलटम कुछ देखना सीधे बाबा। हाँ, ऐसी कोई बात है नहीं, शंकर पार्वती है ही नहीं, ऐसे वचन है।
और क्या, कहाँ है शंकर पार्वती? क्या शंकर जी पति और उनकी पत्नी पार्वती ऐसे कहीं हैं आज की दुनिया में? शंकर पार्वती को युगल नहीं कहेंगे, शंकर पार्वती युगल है ही नहीं, युगल है या ब्रह्मा कुमार कुमारी है? तो भाई बहन है या युगल है? खत्म बाबा को जो अगर कुमार कुमारी है वो बोलते हैं कि कुमार तो तो तुम क्या बोलते हो उनकी छोड़ दो, तुम अपनी बात बताओ, तुम क्या बोलते हो? कुमार है तो प्रवृत्ति माँ बाप के साथ ही होगी, मतलब वो जो परिवार है। तुम्हारे अम्मा बाप मर गए कि नहीं मर गए अभी? तुम वर्षा किसका लेने वाले हो? अरे जो जिंदा है उनका वर्षा लेने वाले हो या जो सदा अमर है उनका वर्षा लेने वाले हो? तुम अलौकिक का वर्षा लेने वाले हो या अलौकिक का वर्षा लेने वाले हो? तो तुम कौन से माँ बाप को अपना अम्मा बाप माने बैठे है? हाँ, जो जिनसे तुम्हें अपना वर्षा लेना है उनकी बात करो ना, वो तो मर गए, पुराना जीवन हो गया। जो युगल वाले हैं वो समझते हैं कि वाले फिर वही तुम दूसरों के ऊपर कूद पड़े। अरे तुम अपनी बातें सहज समझाओ, अपनी तो समझाते हैं तो अपनी कहा, तुम वो ऐसे कहते वो ऐसे कहते वो ऐसे कहते, उनकी बात छोड़ दो, तुम अपनी बात सहज करो, भटको मत इधर उधर। सत्य नहीं होगा लेकिन वो बार बार मानते, फिर वही बार मारने के लिए तैयार हो जाते। तुम बार बार उन्हीं की बात उठाओगे तो मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो अपनी बात हल करो ना। हाँ बोलो। कुमार तो मतलब प्रवृत्ति वाले ही हुए ना? कुमार तुम किसे कहते हो? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो कुमार माने जाते हैं उन्हें कुमार कह रहे हो या बाहर की दुनिया के कुमारों की बात कर रहे हैं? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जितने कुमार हैं उनका पूर्व जन्म तो खत्म हो गया, उनके माँ बाप हैं अभी लौकिक में, खत्म, तो पूर्व जन्म हो गया, उनसे हमें वर्षा ही नहीं चाहिए। वर्षा चाहिए कि नहीं चाहिए बाबा? एक मुझे भी लेकिन बोले बाबा की जो लौकिक मिले उसको भी नहीं छोड़ना है, लौकिक जो मिले उसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी एक में लगा देना। लौकिक वो हमारे हमारा हमारे जो लौकिक में हमको जो मिला हुआ है वो हमको फेंक देंगे क्या? गवर्नमेंट को दे देंगे? बाबा अपना हाथ जगह ना सीखने लिए क्या बात है? अपने हाथ से जो काम करेंगे वो अच्छा बनेगा, दूसरों को कह दें भैया ये काम करते हैं ना यज्ञ में लगा देना है, हमने लगाया लगाया ना लगाया बाबा अपने अपने संकल्प तो अपने लिए। हाँ जी, अपने आप जो कुछ कर लेंगे वो ही अच्छा है, अपने आप जो कुछ भी करेंगे, चाहे संकल्प करेंगे चाहे कर्म करेंगे चाहे वाचा से दान करेंगे, जो भी करेंगे वो अच्छा है। भोजन भी बनाएंगे तो भी अच्छा है, अपने आप जो भी भोजन बनाएंगे। बाबा विष्णु को शंकर को भी देह का अहंकार हो सकता है? हाँ, शंकर और विष्णु को देह होती है, होती है। अरे उनको स्थूल देह होती है, अरे शंकर को और विष्णु को स्थूल देह होती है, स्थूल देह, स्थूल देह होती है। अरे वो सूक्ष्म पतनवासी देवता है या साकार सृष्टि के हैं? जिस समय मनन चिंतन मंथन की स्टेज में होते हैं उस समय उनको देहभान होता है नहीं होता है। उसी समय का यादगार है सूक्ष्म पतनवासी। और
गाया हुआ भी है। 40 वर्ष के लिए सूक्ष्म बतन रचते हैं। 40 वर्ष कौन से हुए? अच्छा, शंकर के लिए कौन से हुए 40 वर्ष? अरे, 76 से लेकर 18 तक, 16-17 तक, ये 40 वर्ष का टाइम मनन चिंतन मंथन का है। और बाबा, ये नारद मुनि हर समय नारायण नारायण क्यों बोलते रहते हैं? बताओ, उनका नाम क्या है मुनि का? नारद, नारद, नार द, द माने देने वाला और नार माने ज्ञानजन। उनका नाम ही है ज्ञानजन लेने वाला। तो ज्ञानजन लेने वाला सबसे जास्ती स्वरूप कौन सा है वो नहीं जानते कि दुनिया में सबसे जास्ती ज्ञान देने वाला कौन है? कौन है? नारायण। इसलिए वो नारायण को याद करते हैं। खुद तो जानते हैं कि हम तो थर्ड क्लास हैं ज्ञान देने वालों में, रहते इसी दुनिया में है, चक्कर इसी दुनिया में काटते हैं, लेकिन नाम मुंह से रखते हैं नारायण नारायण। अरे नारायण तो कहाँ रहता है? क्षीर सागर में रहता है, लौकिक दुनिया में नहीं रहता है। और नारद लौकिक दुनिया में भी चले जाए, आना जाना करते हैं। बाबा जो बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं उनको क्या समझा जाए? ये कोई माता ने लिख के दिया क्या? नहीं बताएगा कोई? भाई ने लिखा है। जो ज्यादा प्रश्न करते हैं उसके लिए मुरली में बोला है रावण के सिर, रावण के सिर जितने राम काटते जाते थे उतने सिर और ही जाति बढ़ते जाते थे। ये रावण के सिर हैं जो कभी खत्म होने वाले नहीं है।